ने सवाल किया तुसी पहले पता लगा बरेलवी सो नैल हदीस होए, उन्हें आख्या नहीं नहीं मैं इस कलमे नू इस जना फर्क नू मिटाना चाहना खत्म करना चाहना, यानी उन्हें इस गल नू कहन ते शर्म महसूस की थी कि मैं हदीस जिन्या मर्जी भी सफाइया दे अपने मसलक की गैरत हर जगह ते होनी चाहिए। अपना नाम असी हक वाले हैं और हक तो शर्माना चाहिए, जे हक वाले शर्मा गए तो फिर कंजर ही सामने आना, वो कभी ढोल वजाने वाले शर्माए ने, कंजर खाना करने वाले नहीं शर्मांदे, ते हक वाले आखन यार असी अहल हदीस हाँ असी लुका के बरात लैके जानी, अहल हदीस होते फखर करिया करो। अल्लाह की बड़ी वड्डी नेमत हदीस कुरान नूं कहा जांदा है, हदीस पैगंबर की जुबान नूं कहा जांदा है, और जिन्हां लोगों का इस चीज नाल तल्लक है उन्हां नूं अहल हदीस कहा जांदा है। और अल्लाह की इज्जत की कसम है असी इस बात से रब से राजी हाँ कि रब ने सानू यह समझ बूझ अता फरमाई है, वगरना जेड़े लोग इस चीज तो दूर जे ठूठे पड़ के जगह जगह जलील होंदे ने पे। इस वास्ते ओए हक वाले बंदे नू हक बयान करन तो रुकना चाहिदा, लुकाना चाहिदा, शर्म महसूस करनी चाहिदी, कादी शर्म है। और लोग अपना नाम जेड़े लोग गुमराह ने वह या नहीं करते, कवालिया वाले सवेरे सवेरे ला देंदे ते अल हदीस बंदा होए आखे मैं मौलवी तकरीर लावांगे लोकी कहणगे भाभी है, ओए लोकां वास्ते काम करना ही, जे लोकां नूं वेख के हक कहण तो डर गया ते हक वाला हो सकदा, समझ तेरे ईमान दे अंदर कमजोरी है। अस्टेज जिहड़ा मर्जी होवे, मस्जिद अपनी होए बेगानी होए, मैनूं याद है मैं पढ़दा सी तहरीर हजरत अलामा शहीद रहमतुल्लाह ताला उन्हां नूं एक मस्जिद के अंदर को मुश्तरका प्रोग्राम है गालबन वो अंदर इंतजामी ने आखिया तुम यह नहीं दसना मैं हदीस हाँ, केंद्र में बात सुन लो मुझे इंतजामिया ने कहा है कि मैं आपको मत बताऊं कि मैं हदीस हूं और मैं तुम्हें नहीं बताता कि मैं हदीस हूं। अपनी दावत पेश कर दी थी यार, अगर तेरे को खरा सौदा है सच्चा सौदा है फिर तू दस, जिमें छोटी जी भी कोई चीज बनाते हो तुम अपने कारखाने की फैक्ट्री थक कर दे तो मोर लाते हो खादे वास्ते साड़ी मशहूरी हो, अगले तक मैसेज पहुंचे यार असी चंगी चीज बनाई उन्हें ड्रैस ना लभना पे उन्हें फोन नंबर ना लभना पे, तो जे तेरे को खरा सौदा फिर अपना नाम लुकाउण दी लोड़, ते जे तू है ही खोटा फिर तेनू साड़ी लोड़ ते सानू तेरी लोड़, खरियां दी खरियां नू लोड़ हुंदी है, क्यों हाजी साहब खोटियां नू खोटा किसे पासे भी चलदा। इस वास्ते गल ज़हन दे अंदर रखो, जिस मुकाम ते भी हो रिश्तेदारी कर दे हो ना लगाया करो कैसी अहल हदीस, उत्थे भी डंडी मार जांदे ने बंदे अहल हदीस अखवान आ जी नमाज पढ़नी चाहीदी है, इन्हां चीज़ां जे की रखिया वो एदे विच ही सब कुछ है, जे ए नहीं ते कुछ रहिंदा बाकी सारियां चीज़ां पिछे ने, मसलक मजहब इस्लाम दीन कुरान हदीस पहले, जे तेरे को हक है फिर दसन च शर्म का दी। मैं नहीं कहिंदा कि किसे नूं काफर कह माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, असी किसे ते फतवा नहीं लांदे, लेकिन जड़ी चीज नूं असी सीने ना लगाया जिन्हों असी मन्ने ओनू मिन वन हक समझ के मन्ने और दिलो बजानो सानू यकीन है हक है, अगर दिलो बजानो यकीन नहीं है हक है तो उस बंदे दा ईमान कामल हुंदा मुकम्मल हुंदा। इस वास्ते जेड़ा काम भी करना है उदे बारे अंदर पहले यकीन रखो, शक वाला रोजा भी नहीं हुंदा, शक वाली नमाज भी नहीं हुंदी, शक वाला वुजू भी नहीं हुंदा, ते शक वाला अकीदा कैसे हो सकदा। इस वास्ते अपने अकीदे ते शक होना चाहिदा, जे किसी चीज शक है तो उन्हें दूर कर अपनी सलाह कर फिर लोगों के सामने आना चाहिए। अल्लाह ताला समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।